नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरु जी चैनल पर। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित दुबर घेरण योग संहिता से आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण आसन लेकर आया हूं, जिसका नाम है गुप्त आसन। चलिए गुप्त आसन कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले विधि, फिर समय अवधि, फिर लाभ और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, महत्वपूर्ण आसन है। पहले इसकी विधि जानेंगे। तो दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की ओर खोल लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, बाएं पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी को सिवनी से लगाइए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, एड़ी को सिवनी से लगाइए, ठीक है। अंगूठे आपके पूरे छुपा दीजिए इस तरीके से। अब आपकी एड़ी जो है सिवनी से लगी हुई है, मेरुदंड सीधा है, गर्दन सीधी है। दोनों हाथों को इस मुद्रा में आप रख सकते हैं हथेलियों को उठने के ऊपर, या चीन मुद्रा में आप इस तरीके से बैठ सकते हैं, या ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से बैठ सकते हैं। आंखें बंद, मन शांत, विचार। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसको गुप्त आसन क्यों बोला जाता है। गुप्त आसन में बैठ के जब आप ध्यान लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके जो अंग होते हैं, पैर के अंगूठे हैं, इसमें जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो ये आपके अंगूठे दिखने नहीं चाहिए। तो इसलिए आपके शरीर के अंग गुप्त रहते हैं, इसलिए इसको गुप्तासन बोलता है, गुप्तासन, ठीक है। और इसका जो है सिद्धासन भी आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं, सिद्धासन का ही दूसरा रूप मान सकते हैं। उसमें भी आपके पैर के अंगूठे छुपे हुए रहते हैं। अब इसकी समय अवधि जान लीजिए। समय अवधि इसका जो है अभ्यास आप 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 45 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो ये एक ध्यानात्मक आसन है, इसमें बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं, आपके जो है नकारात्मक विचार दूर होगा, अनिद्रा की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इतने सारे इसके लाभ हैं। सावधानी ये रखना है, जिन लोग जो है टखने में या घुटने में दर्द है या कमर के निचले हिस्से में दर्द है, तो वो लोग इसका अभ्यास ना करें, उनका दर्द जो है बढ़ सकता है। तो ये आप अगर विधि, समय अवधि, लाभ और सावधानी इसके अगर जानकर आप करते हैं इसका अभ्यास, तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। और आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट के माध्यम से आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।